हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का जो आर्टिकल राइटिंग है, क्या आर्टिकल राइटिंग, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको 5 ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मतलब बिल्कुल फिक्स है कि आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका आर्टिकल राइटिंग का जो 6 में 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। और ये आर्टिकल आपको तैयार ही तैयार कर लेने हैं क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ऐसे आर्टिकल्स राइटिंग देखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग जो मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका ये आर्टिकल राइटिंग जो है वो बिल्कुल लिखा है कि आएगा आएगा आएगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऐसे लिखो तो आपको 100% आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, 6 में 6 नंबर। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखोगे कैसे, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए आज के इस वीडियो को एक लाइक बनता है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने यहां 5 ऐसी चीजें लिखा है, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, जहां मैं आपको 5 ऐसे आर्टिकल्स बता दे रहा हूं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो सबसे पहला आर्टिकल राइटिंग ध्यान से समझो, सबसे पहला यहां मैं आपको एक एक आर्टिकल बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल राइटिंग जो आपको तैयार करना है वो है द इंपॉर्टेंस ठीक है, ऑफ अर्ली राइजिंग यानी कि जल्दी उठने का मतलब महत्व क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि आपको जल्दी उठना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, पढ़ाई करना है, टॉपर बनना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है, तो आपको जल्दी उठना चाहिए क्योंकि आपके पास तब ज़्यादा समय रहता है पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। सेकेंड जो आपको तैयार करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, जो आप लोग बाहर गेम खेलते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम मतलब गेम का महत्व आपको बताना है, ठीक है। जब आप बाहर खेलते हो तो आप फिजिकली आप फिट रहते हो, लाइक क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या फिर कुछ भी खेलते हो, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा आपकी बॉडी वर्क करती है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा है, ध्यान से समझो एक एक को, ग्रो More trees to reduce pollution, मतलब कुछ वृक्ष को उगाओ जिससे जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके, मतलब रिड्यूस का मतलब कम हो सके, बिल्कुल तो खत्म किया नहीं जा सकता बट धीरे धीरे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर आप लोगों का एक 4 नंबर है, ए विजिट टू ए जू, जब आप एक जू को विजिट करते हो मतलब देखते हो, ठीक है, ए विजिट टू ए जू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल राइटिंग है। और लास्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेव वाटर, देखो वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है, आपको फालतू बिल्कुल भी वाटर को नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। आर वी डूइंग इनफ, ठीक है। तो देखो, मैंने 5 आर्टिकल राइटिंग तो बता ही दिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार ही तैयार कर लेने हैं अगर आपको आर्टिकल राइटिंग में
फुल में फुल मार्क्स लाना है, तो ये पांच आर्टिकल राइटिंग आप तैयार कर लो और 100% आपका फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। तो आप लोग ये मतलब अर्ली राइजिंग पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, विजिट अ जू ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड सेव वाटर आर डूइंग इनफ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पांच आर्टिकल्स आप फटाफट से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो मैंने आपको आर्टिकल तो बता ही दिया कौन कौन सा तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब मैं आप लोगों को इसमें से एक आर्टिकल लेता हूँ, ये वाला जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इस आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा राइट एंड आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है, इन 80 से 100 वर्ड्स में, इतने वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा, ठीक है, 80 से 100 वर्ड्स में, ठीक है। अब लाइक इज ये हमारा पहला है, जो पहला वाला हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, तो यहाँ आपको डालना है फर्स्ट और लिखना है इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है, जल्दी उठने का महत्व। तो हम मैं आप लोगों को देखो, आप हेडिंग से लिख सकते हो या फिर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा लिखना, आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, आपके क्वेश्चन बैंक में सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, हेडिंग डाल के लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये मैं आपको जो बताऊँगा ये बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, जो बहुत 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 आसान लगेगा। देखो तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ दिस इज ए प्रोवर्ब विद सॉरी दिस इज ए प्रोवर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तो इसमें हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स है, मतलब जो लाभ है, वो अर्ली राइजिंग के वो क्या क्या है। अर्ली टू वेड, मतलब आप जल्दी लेटोगे, मतलब शाम को, अर्ली टू राइज और जल्दी उठना भी है, ठीक है। जब आप देर करोगे, मोबाइल देखोगे रात भर, दो दो बजे सोओगे, एक एक बजे सोओगे, तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे। अगर आप समझो जल्दी उठ भी गए ना, तो भी आपका दिन जो है बिल्कुल खराब लगेगा, ठीक है। इसलिए आप जल्दी जब बेड पर जाओगे तभी आप जल्दी उठ पाओगे, और तभी आपका जो बॉडी है आपसे वर्क कराएगा, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, जो आपको मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड विश, जो एक इंसान को स्वस्थ बनाता है, अच्छा बनाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लोग छोटा सा आप लोग ऐसे ऊपर लिखना, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट, सभी को पता है, जो बच्चा जल्दी उठता है, जो इंसान जल्दी उठता है, वो एक बहुत अच्छी आदत है। देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अक्षय कुमार सर का इंटरव्यू देखा होगा, वो क्या, वो इतना अमीर हैं फिर भी अभी वो 4 बजे उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, क्यों, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन नहीं, उनको फिट रखना है, अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसा नहीं इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी का बेटा है, उसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे इतने हैं कि वो बड़े बड़े को खरीद सकते हैं, लेकिन उनके जो बेटे का हेल्थ क्या है, नहीं सही है, तो क्या वो पैसे से खरीद लिए हेल्थ, नहीं खरीद पाए, ठीक है। तो हेल्थ को नहीं खरीद सकते हो, इसलिए आप लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इट्स लीड टू इम्प्रूव ऑफ हेल्थ एंड प्रोग्रेशन ऑफ आवर लाइफ, ये जो है अपनी तुम्हारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है और लाइफ में आगे बढ़ाता है, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर गॉड, और ये जो होता है ना ये टाइम, वो प्रेयर गॉड यानी कि भगवान की प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एडवांटेज लाभ है अर्ली राइजिंग के, इज दैट इज गिव्स ये गुड स्टार्ट ऑफ हार्ड डे वर्क, अगर आप दिन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो ना, तो आप जल्दी उठकर एक गुड स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, और आप मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम आप मॉर्निंग में कर सकते हो, जब यानी कि व्हाइल दैट अदर आर स्टिल इन बेड,
जब तक बहुत सारे लोग बेड पे रहेंगे ना, मतलब सोए रहेंगे, तब तक आपका पूरा काम हो जाएगा। ये होती है एक गुड शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, ठीक है। वी कैन कंप्लीट द डे वर्क विदाउट हैविंग टू रेस्ट थॉट इट, ठीक है। तो आप मतलब वी कैन कंप्लीट आप दैट डे वर्क, मतलब आप उस दिन का पूरा काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, विदाउट हैविंग टू रस्ट थॉट, बिना कुछ सोचे समझे आराम से। ए लिटिल एक्सरसाइज, एक छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो एट दिस टाइम, इस टाइम पर, मतलब एक छोटा मोटा एक्सरसाइज भी कर सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि आप जल्दी उठे हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। विद कीप द अर्ली राइजर फिट फॉर डे, इससे आपका जो पूरा दिन है ना वो बिल्कुल फिट रहेगा। जब आप जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे और सोचोगे मुझे क्या करना है पूरे दिन, कैसे अपनी लाइफ को, अपने दिन को कैसे निकालना है, तो ये सब जब आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो दिन है वो भी अच्छा होगा और आपका सब कुछ धीरे धीरे लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वॉकिंग इन ओपन एयर, और आप खुली हवा में भी टहल सकते हो, सुबह जो है बहुत अच्छी हवा चलती है, एट दिस टाइम, इस टाइम पर आल्सो वेरी प्लीजेंट, और बहुत सुहावना दिन होता है। अगर आप नहीं उठते हो ना, कल आप सुबह 5 बजे उठना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ 5 बजे, और बाहर कहीं जहाँ हवा लगता हो, पेड़ पौधे लगे हों, वहाँ जाना और फील करना कि कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने आपको बता दिया, अभी हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट पेज में, वो वाला देखते हैं। अब देखो, दिस बर्ड सिंग्स, इस टाइम जो बर्ड्स है वो गाना गाती हैं, एंड द एयर इज फ्रेश, और जो हवा होता है वो बिल्कुल ताजी होती है, एंड दिस इज सेंसिटिविटी ऑल ओवर, ठीक है। ऑल दोज, जो ऑल दीज रिफ्रेश द माइंड, और इस टाइम जो आपका माइंड होता है वो बिल्कुल रिफ्रेश होता है, बिल्कुल तरोताजा होता है, एंड बॉडी ऑफ ए अर्ली राइजर एंड मेक फिट फॉर वॉकिंग हार्ड, और जब आप टहलते हो, अच्छे काम करते हो, तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है और आपको अच्छा भी लगता है। अर्ली राइजिंग शुड बी मेड ए रेगुलर हैबिट, और अर्ली राइजिंग जो है वो आपको अपनी एक रेगुलर हैबिट बनाना है, ऐसा नहीं कि आज उठा कल नहीं उठा, ठीक है। तब आपको इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, तो इससे आप खुश भी रहोगे, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना। अब ये आप लोग अगर नोट बनाना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट बना लो फटाफट, अपनी कॉपी खोलो और ये हेडिंग डाल लो, ये वाला, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यहाँ से ये पूरा लिख लो, ठीक है। यहाँ से देयर इज ए प्रोवर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, और खुद से भी बना कर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, मतलब खुद से भी ये बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से भी बना बना के लिख सकते हो अर्ली राइजिंग के बारे में, जो जो जानते हो वो खुद भी बना के लिख सकते हो, उसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इतना यहाँ आप नोट कर लो फटाक से, फिर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो भी जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये नोट बना लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लो थोड़ा सा। अब देखो, 5 आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था, एक करा दिया है, 4 और बचा है, इन 4ों को भी मैं करा दूंगा, लेकिन इसमें जो ज्यादा हार्ड लग रहा हो, मतलब एक जो ज्यादा हार्ड लग रहा हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कल उसको भी करा दूंगा, जो ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम या ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन या ए विजिट टू ए जू या सेव वाटर आर वी डूइंग इनफ, जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, ठीक है, वो आप बता देना, वो मैं आपको कल फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग देखा, 6 में 6 नंबर आप क्लियर कर लिए, ठीक है, और कोई सभी दिक्कत नहीं होगा, आप तो आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा। तो आज के ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और अब आपको लेटर राइटिंग भी चाहिए ना, एप्लीकेशन राइटिंग भी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग भी चाहिए, साथ में अनसीन पैसेज भी चाहिए, साथ में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड सब कुछ चाहिए ना। तो ये सारा एक वीडियो, 2 वीडियो 3 वीडियो 4 5 6, ये 6 वीडियो अलग से आएगा, ग्रामर का एक वीडियो, 7 वीडियो इंग्लिश की आएगी जल्दी जल्दी, और वो आप पढ़ाई करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये 7 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, तो आप चूको ना उसको, जरूर देखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें ना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।